हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और आज हम आए नई जगह पे, देखो मंडी में, अनाज मंडी में। ये देखो, क्योंकि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं लगभग 9 बजे, क्योंकि हम घर से जल्दी चले हैं। घर से थोड़ा दूर है, 4-5 किलोमीटर, और आधा घंटा हमें आने में ही लग गया है। घर से हम वीडियो शूट नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं और लगते हैं हम अपने काम पे। हम आज अपना खाना भी साथ ही लेके आए हैं, क्योंकि जानवी की छुट्टी थी आज। कल भी हमें कोई काम नहीं मिला, कल भी हम घर पे फ्री थे, क्योंकि मुझे काम की ज़रूरत है, तो मैं कहीं ना कहीं ये देखती रहती हूँ कोई काम मिले। तो आज हम अनाज मंडी में आ गए हैं और देखो सभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, सभी काम पे लगे हुए हैं। ये देखिए इधर, और अब हम भी लगते हैं अपने काम पे। तो दोस्तों, अब मम्मा जो है जीरी को फैला रहे हैं। तो देखो दोस्तों, अभी जीरी सुखा रहे हैं। तो दोस्तों, ये दूसरे वाला है, इससे भी जीरी सुखाई जा रही है। देखो कैसे सुखाते हैं जीरी को। ये देखो, इसे ऐसे करने से जीरी जो है सूख जाती है। ये अभी गीली है। तो देखो दोस्तों, जानवी कर रही है, ये देखो काम लगी है करने। मैं इसको मना भी कर रही थी, मैंने कहा रहने दे, लेकिन ये बहुत हेल्प करती है मेरी। कहती है नहीं, आज संडे है, आज तो मैं आपकी हेल्प पूरी करूँगी। और ये देखो, जानवी थक जाओगे बेटा, मैं खुद कर लूँगी। जानवी बस रहने दो बेटा, थक जाओगे बेटा। ये काम हमें थोड़ा ठीक लगा है, और पहले हमने वहाँ से भी फैलाई है, अब यहाँ से वो कह रहे कि इसको कर दो, क्योंकि इसमें जो धूप लगेगी ना, वो ऊपर, मतलब इसको ऊपर नीचे करना होता है ताकि जल्दी सूख जाए। दोस्तों अभी हम खाना खा रहे हैं, ये देखो अभी तो खाएंगे। अभी हमने काम कर लिया और दोपहर का भी हम खाना खाएंगे। हम साथ लेके आए थे अपना खाना,
और बाकी लोग भी लंच कर रहे हैं। मैं कह रही थी इसमें से ना मैं थोड़े चावल इधर निकाल दूँ फिर डाल लियो ना। तो दोस्तों अब मैंने खा लिया है, अब मम्मा खा रहे खाना। यहाँ पे देखो एक पेड़ भी है, वहाँ पे वो जीरी सुखा रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए जो मुंशी अंकल है उन्होंने हमें कहा कि आज तुम ये वाला काम करो। तो ये देखिए इसमें जो है एक रस्सी होती है और ये देखिए इसे हम अपने कंधे पे डालते ताकि हमें थकावट ना महसूस हो। और नीचे ये देखिए इसके जो डंडे होते हैं वो जो है चीरी को फैलाते हैं। तो दोस्तों पहले हम उधर काम कर रहे थे तो मुंशी ने कहा कि तुम यहाँ से कर लो क्योंकि तुम अकेले ही कर लोगे, और हमें ये ठीक लगा क्योंकि जो हम पहले काम कर रहे थे उसमें दो लोगों की ज़रूरत होती थी, इसमें हम अकेले भी कर सकते हैं। ये देखिए इसे करेंगे हम, ये देखो क्योंकि इसे आसानी से हो जाएगा। उन्होंने हमें बोल दिया कि आप दोनों कर लोगे इसमें, मतलब मैं कर लूँगी तो जाने तो वैसे जाने छोड़ दे बेटा मैं करती हूँ। ये देखो तो देखो दोस्तों हमें जो ये काम मिला है आज सुखाने का, ये काम हमें आसान लगा और अब जैसे हमने ये कर दिया है और फिर ये बोरियों में भरा जाएगा। बोरे भरने के बाद ना उधर वो करने का काम है, इसको छानने का, साफ करने का, वो काम हमारा नहीं है। हमें तो ये काम मिल गया क्योंकि हम इसको अकेले भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हमें किसी की मतलब वो हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। जैसे हमारे साथ की जो काम करती थी वो भी नहीं आई, वो कह रहे हैं कि आज हम नहीं जाएंगे, और मैं थी फ्री क्योंकि मुझे बच्चों का भी थोड़ा सा वो होता है ना साथ में ले जाने का। ये देखो जानवी कर ही रही है अभी तक। ये बहुत आसान मतलब आसान मिल गया हमें काम, इसको आराम से कर रहे हैं हम। तो साथियों देखो आज तो हम आ गए थे मंडी में, आपको बताया हमने, और हमने जीरी को लगभग फैला दिया सारे में। कभी के आ रहे हैं हम, वीडियो हमने इसलिए स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि पहले काम करो फिर बाद में फ़ोन उठाना। तो हमने लगभग सारी फैला दी है, फिर उसके बाद ही हमने वीडियो स्टार्ट की थी, और अब काम हमारा हो ही चुका है। तो दोस्तों अब हम घर के लिए निकल चुके हैं। हमने चीरी वहाँ पे फैलाई, पहले फैलाई फिर इकट्ठी की, और अब हम घर को जा रहे हैं। शाम हो गई है क्योंकि हम इकट्ठी करते हुए नहीं दिखा पाए, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती और फिर वो वीडियो बनाने भी नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि काम करो काम करो। और आपको पता ही है जिसने फिर दिहाड़ी देनी है वो तो फिर काम मांगेगा ही, इसलिए बस हम इकट्ठी करते हुए भी नहीं बना पाए और ऊपर से भी वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाती। ठीक है दोस्तों, और इस व्लॉग का हम यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।